हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल कूल बॉय दया पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो पैकिंग होती है वो क्या होती है। तो रेलवे में पैकिंग दो तरीके से कराई जाती है, एक तो मशीनों द्वारा कराई जाती है और एक ग्रुप डी के स्टाफ जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनसे कराई जाती है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये मशीन से पैकिंग हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो कील सी निकली हुई हैं ये वजन डालती हैं और ये कंकड़ ये स्लीपर होते हैं उनमें उनके नीचे चले जाते हैं, जिससे ट्रैक जो होता है ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब स्थिर हो जाता है। और दूसरे तरीके में क्या होता है, जो ग्रुप डी का स्टाफ होता है ट्रैक मेंटेनर, उनसे पैकिंग कराई जाती है। सो आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लोहे की बड़ी बड़ी रॉड होती हैं, मतलब सब्बल बोलते हैं, इससे इससे कराई जाती है। इसे ऊपर नीचे से प्रेशर से मारते हैं और इसमें पटरी के नीचे एक जैक लगाया जाता है और जिसमें जो होल है इससे ऊपर नीचे पटरी को उठाकर तब इसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, इसमें और दिखा देता हूँ पैकिंग। यहाँ भी हो रही है पैकिंग। तो पैकिंग में थोड़ा हार्ड काम है, वैसे इतना भी हार्ड नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं होता है। एक दिन में एक बंदे को मुश्किल से 10-15 मीटर करना होता है, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं पड़ता। तो पैकिंग थोड़ा हार्ड सा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।